नमस्कार दोस्तों, ये पाम थोड़ा सा गुलाबी है, इसके लिए मैं कलर इंक जो है वो रेड यूज़ कर रहा हूँ, यानी व्यवस्थित दिख पाए। इनकी वर्तमान आयु 43 है और ये विदेश में रह रहे। अब इस पाम में जो खासियत है, इनके 5-6 क्वेश्चन है। एक तो स्टेबिलिटी, ये जो स्टेबिलिटी है उसका कारण है इनके मन में ये जो सवाल आना, ये 43 के आसपास ही एक राहु रेखा ने काटा है। जब भी आपकी राहु रेखा काटती है, ये लगभग 1 साल से लेके 1.5 साल का पीरियड, जैसी राहु रेखा, अभी ये जो राहु रेखा है ये काफ़ी स्ट्रांग है, तो हो ना हो 1 से 1.5 साल का पीरियड इनके जीवन में काफ़ी उथल पुथल वाला रहता है। सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, जॉब हो तो जॉब चली जाती है, फाइनेंशियल लॉसेस होता है, बहुत सारी दूसरे प्रॉब्लम आते हैं जीवन में, ये सारी चीज़ें होती है, तो हो ना हो ये पीरियड से गुजर रहे। दूसरा, इनके क्लोजअप को देखा तो ये 43-44 तक थोड़ी सी लाइन भी इतनी दमदार नहीं है, पर उसके बाद ये लाइन सीधी हो रही है, तो स्टेबिलिटी 100% आएगी, पैसा आपके पास आने वाला है। फाइनेंशियल स्ट्रांग, आप 100% फाइनेंशियल स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि एक शुक्र वलय है, वो मैं वीडियो में बताऊंगा आपको, और एक मनी ट्रायंगल है। हाँ, थोड़ा सा ओपन जरूर रह रहा है आपका मनी ट्रायंगल यहाँ से, तो खर्च का पैमाना रहेगा, पर इनकम के स्रोत बहुत बड़े पैमाने पे होंगे। और आपका जिस तरह का शुक्र पर्वत है, तो आप ज़्यादा खर्चालु व्यक्ति होंगे, और उसके कारण हो सकता है आप जितना कमाते हो उसके सामने बचत कम होती हो, क्योंकि शुक्र पर्वत जिसका ज़्यादा बड़ा होता है वो खर्चीला ज़्यादा होता है। कर्ज से मुक्ति, ये राहु रेखा के कारण आपको कर्ज लगा हुआ है, और ये थोड़ी सी बाकी कर्ज से मुक्ति 100% मिलेगी। करोड़पति बन पाऊंगा, 100% बन पाओगे, करोड़पति बनोगे, करोड़पति तो अभी भी होंगे ही आप। 2-3 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो यही मेन प्रॉब्लम है। एक तो एक राहु रेखा ने काटा, हो सकता है इस राहु रेखा ने 42 में काटा हो, क्योंकि पामेस्ट्री 1-2 साल का फर्क चलता हो, और इसी के कारण आपको फाइनेंशियल कर्ज ये वो सारी स्थिति पैदा होती है, तो इसके कारण हुई हो। दूसरी चीज, अपनों ने मुंह मोड़ लिया, तो नेचुरल है जब राहु रेखा काटती है तो कोई अपना नहीं होता। और दूसरा, आपका जो जुपिटर माउंट है वो डिस्टर्ब है, ये पारिवारिक समस्या क्रिएट करता ही है, और बहुत बार पारिवारिक समस्या भी, सांसारिक समस्या भी क्रिएट करता है। इसका उपाय 100% मैं आपको दूंगा, पर शुक्र पर्वत ज़्यादा बड़ा होने के कारण आप खर्चीले रहोगे, तो आपके पास इनकम तो भरपूर आती होगी, उसमें ना नहीं, पर खर्च का पैमाना भी ज़्यादा रहेगा। रहा सवाल बिजनेस का, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप बिजनेस अभी फिलहाल ना करें, ये एक राहु रेखा तक का राह देखें। ये राहु रेखा आपको 50 के आसपास या 51 के आसपास बहुत स्ट्रांगली काट रही है। इस पीरियड में आपको बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा अगर आपने बिजनेस किया तो, करोड़ों में आपको लेकर जाएगी ये रेखा। अगर जॉब करता है व्यक्ति तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब छूटती है, पर जब बिजनेस करता है तो इस तरह की राहु रेखा जब धन रेखा को भी काटती हो और जीवन रेखा को भी काटती हो उसी पीरियड में, तो करोड़ों में लेकर जाती है। तो मेरे हिसाब से आप केवल 50-51 तक की राह देखिए, उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू करिए, उसके बाद आपका बिजनेस शुरू भी होगा और आप समृद्ध तो जीवन भर रहोगे। अब ओवरऑल पाम का एनालिसिस करते हैं। ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है, एक तो यहाँ पर ये मस्त धनुषाकार बन रहा है, ये भी व्यक्ति को समझदार बनाता है, यानी इनमें समझ शक्ति ज़्यादा रहती है, अपॉर्चुनिटियों को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब कर पाते। दूसरी चीज, ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है, एक्सट्रीम लेवल के मेहनती लोग होते हैं, एक्सट्रीम लेवल के, और इनको रेगिस्तान में भी भेज दो तो वहाँ से भी पानी निकाल कर लेकर आएंगे, इतने एक्सट्रीम लेवल के मेहनती होते हैं। यहाँ पर चले तो अंगूठा मध्यम टाइप का, न ज़्यादा स्ट्रांग है न ज़्यादा कमज़ोर है, तो स्ट्रांग
बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, तो मध्यम टाइप का स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा, और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, तो तथ्यों के साथ लॉजिक के साथ अपनी बात बताने में मास्टर होंगे, काम के प्रति जिद भी होगी, और उंगलियां छोटी है तो बहुत स्पीड में निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं, और इनके हाथ के नीचे काम करने वाले की वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर देखे तो छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुँच रही है, तो व्यक्ति ये उंगली में ही इतना दम है कि आपको ये अकेली उंगली करोड़ोंपति बना देगी, अगर आपने खर्च पर काबू रखा तो। कोई माइनस पॉइंट नहीं आपके हाथ में, ये उंगली इतनी ताकत रखती है कि व्यक्ति इस ये उंगली बड़ी हो तो भी काफी समृद्ध बनता है, अगर हाथ का बाकी के प्रकार अच्छे हैं तो। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब बुध पर्वत की ओर चले, यहाँ पर देखे तो इनकी रिलेशनशिप लाइन काफ़ी बड़ी है पर थोड़ी सी बैंड हो रही है। ये जब बैंड होती है तो इनको जो पात्र मिला होगा वो तो काफ़ी सुंदर और सुशील मिला होगा और अच्छे घर का भी मिला होगा, पर जब थोड़ी सी बैंड होती है तो डोमिनेटेड पर्सनालिटी होती है। और बुध पर्वत देखिए तो अपने आप में उभार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और छोटी छोटी रेखाएं है, तो ये मध्यम टाइप का आपका बिजनेस एक्यूमेंट कहो, सुंदरता कहो, सुंदर तो होंगे ही आप, उसमें दो राय नहीं है, वाणी कहो, ये सारी मध्यम टाइप की चीज़ें रहती है, पर एकदम दबा हुआ भी नहीं है तो काफ़ी मध्यम से भी काफ़ी अच्छा ये सारे पॉइंट आपके जीवन में होंगे। सबसे अच्छी साइन जो आपके हाथ में है वो है ये शुक्र वलय। ये जो शुक्र वलय है ये व्यक्ति को काफ़ी समृद्ध बनाता है, ये जैसे जन्म लेता है व्यक्ति वैसे ही परिवार संपन्न होना शुरू होता है, और ये जीवन भर पैसे के मामले में साथ देता है, जहाँ आम इंसान 1,000 कमाता है वहाँ पर ये लोग लाखों कमाते हैं, ये इतना जादू वाला काम करती है ये, और कला के शौकीन होते हैं, कला के प्रति रुचि काफ़ी रहती है इनकी, ये सारे गुणधर्म मिलते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना हुआ है छोटा, पर ये भी ट्रायंगल व्यक्ति को अमीर बनाता है, तो इस तरह के प्लस पॉइंट आपके हाथ में है ही ऑलरेडी। और स्क्वायर भी बना हुआ है, अगर ये स्क्वायर कंप्लीट होगा कहीं पर भी तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है, फैला हुआ कामकाज होता है, चाहे वो जॉब करे या कोई और काम करे। मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी आपके हाथ में बनी हुई है, तो आपके जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टियों के सुख भी मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखे तो एक विद्या रेखा भी है, इस रेखा के कारण व्यक्ति को जो बेसिक नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और ये भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में इनडायरेक्ट सपोर्ट देती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पूछ पूछ कर काम करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता, और यहाँ पर रेखा बनी हुई है तो आपको जीवन भर कंटिन्यू इनकम के रास्ते आपके पास कंटिन्यू बने रहेंगे, तो इनकम की कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आने वाली नहीं है। हाँ, आपका गुरु पर्वत बहुत छोटा है, परिवार से दूर रखता है, और यहाँ पर अगर ये क्रॉस बनता होगा और आपको बचपन में जोर से एक बार सर पे लगा होगा जो अभी भी याद होगा, और सर दर्द का प्रॉब्लम होगा, तो आपका पत्नी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छा होगा, चाहे गुरु पर्वत कैसा भी हो, पर यहाँ पर अगर क्रॉस आ जाता है और आपको बचपन में ज़ोर से लगाओ और सर दर्द का प्रॉब्लम हो तो पत्नी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहता है। बाकी ये परिवार से दूर रखता है इस तरह का गुरु पर्वत, और ये स्क्वायर ना हो यानी क्रॉस ना हो तो व्यक्ति को पत्नी के साथ भी मतभेद करवाता है इस तरह का गुरु पर्वत। इसका इलाज आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कितना भी पैसा कमा लोगे आपका स्टेटस कभी नहीं बनेगा, कितना भी काम कर लो आपके अपने आपके कभी नहीं होंगे, सब आपके विरोधी होंगे,
लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा के उन अपनों को दे दो आप, फिर भी आपके मुंह से, उनके मुंह से एक शब्द आपके लिए अच्छा नहीं निकलेगा। ये परिवार की चीज बताता है गुरु पर्वत। और आपका शुक्र पर्वत इतना अच्छा है, और ये आपने अगर इसको बैलेंस कर लिया तो ह्यूज लेवल की वेल्थ भी आपके जीवन में आएगी। अब चलते इनके, और हॉरिजॉन्टल एक दो रेखाएं चल रही है तो मल्टीपल इनकम के स्रोत आपके जीवन में बने रहेंगे। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है आपका। इस तरह का अंदरूनी मंगल वाला व्यक्ति, शारीरिक क्षमता अच्छी खासी रहती है, और जिनके हाथ चौड़े रहते हैं उनकी शारीरिक क्षमता ऐसे भी अच्छी रहती है। स्पोर्ट्स के भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स के आप जानकार रहे होंगे जवानी के दिनों में। बारी मंगल और अच्छा है आपका। और ये जो रेखा है ये कभी ना कभी कोर्ट केस या पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है, पर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, किसी की सहायता नहीं ढूंढता, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। चंद्र पर्वत तो देखने लायक है सर, अफलातुन चंद्र पर्वत है। और इस तरह का चंद्र पर्वत पानी और दूध, पानी बहुत अच्छा लगता है, दूध से बनी चीजें बहुत अच्छी लगती है आपको, नई नई चीजें करने का मन करता है जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होता है। निर्णय शक्ति पावरफुल होती है, इमेजिनेशन पावर पावरफुल होता है, ये सारे गुण मिलते हैं। और साथ में आपको एक अच्छी सी बुध रेखा भी प्राप्त है, तो आप कहीं भी काम करो, चाहे जॉब करो, आपका स्तर होगा वो तो दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा, उच्च स्तर पर आप पहुंचोगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। और ये मनी ट्रायंगल भी आपके हाथ में बन रहा है, पर यहाँ पर थोड़ी सी माइंड लाइन धुंधली हो गई, तो थोड़ा सा ओपन है, हल्की रेखा से ये पैक हो रहा है, मैंने क्लोजअप में देखा, पर ये थोड़ी सी डार्क होती रेखा तो ये ह्यूज लेवल की वेल्थ, आप ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं करोड़पति बनूंगा कि नहीं, ये 100% आपको ये मनी ट्रायंगल ओपन भी है तो भी करोड़ोंपति बनाएगा। साथ में शुक्र वलय है, और अभी भी आप करोड़ोंपति होंगे ही, हाँ नो डाउट, कोई खर्च आपको लगा है, राहु रेखा लगी है, वर्तमान समय हो सकता है आपके लिए खराब हो, पर आपको कोई करोड़ोंपति बनने से रोक नहीं सकता, क्योंकि इतना अच्छा मनी ट्रायंगल आपके हाथ में है। और यहाँ पर देखिए फिश चैन भी बनी हुई है, ये व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट देती है। व्यक्ति के शरीर में एनर्जी ज़्यादा रहती है, और एनर्जी ज़्यादा यूज़ करता है और ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। अब शुक्र पर्वत भी देखने लायक है, और उस पर पहले नेगेटिव साइन, अगर ये तिल होगा तो जीवन में एक बार तो स्त्री वर्ग से नाम खराब होता ही है, 100% नाम खराब होता है एक बार तो। और दूसरी चीज देखे तो इनके पाम में शुक्र पर्वत काफी उभार लिए हुए, एक फुटबॉल की गेंद से भी बड़ा शुक्र पर्वत है, और साथ में गुरु पर्वत बहुत छोटा, ये दोनों को बैलेंस करें तो अच्छी खासी समृद्धि इनके जीवन में आएगी। पर फिर भी ये जो शुक्र पर्वत होता है इनको गर्मी पसंद नहीं आती, बहुत लोगों को पसीना भी खूब आता, पर ये सबको लागू नहीं होता। और दूसरी चीज़ होती है लग्जरियस लाइफ, नए लग्जरियस लाइफ जीने का जो शौक होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और पैसा कमाने में भी ये लोग मास्टर होते हैं, और खर्चने में भी मास्टर होते हैं। ये शुक्र पर्वत के कारण ये लाभ मिलता है, पर ये पैसा तो देता ही है। अब आपकी हार्ट लाइन, ये जो हार्ट लाइन है ये एकदम गुस्से वाला व्यक्ति बनाती है, ये जो लाइन है ये आपके जीवन को खराब कर रही है, ये आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपने गुस्सा अगर लोगों के सामने व्यक्त किया तो आपका सामाजिक ढांचा बिगड़ता है, और अगर मन में रखा तो कोई ना कोई चर्म रोग होगा आपको भविष्य में, इसका भी इलाज दूंगा, पर इसका सबसे बेस्ट इलाज ये है आप कमरे में अपने आप को बंद रखो और गुस्सा, नकली गुस्सा बाहर निकालो, जैसे एक एक्टर करता है उस तरह से आप काम करो,
ये गुस्सा दिलाती है और ये शरीर को भी खा जाती है। 50 के आसपास आप पहुंचोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा रोग लग जाएगा जो आपको बहुत परेशान करेगा। तो इस गुस्से पर आपको काबू खुद को ही सीखना पड़ेगा। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा दिलाती है। एक माइनस पॉइंट है आपके जीवन में, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बाकी आपकी हार्ट लाइन स्मूथ है तो ज़्यादा झंझटे जीवन में रहेगी नहीं। हाँ, राहु रेखा काटते उस समय लगता है, पर नॉर्मल लाइफ रहेगी। अब आपकी माइंड लाइन कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर सीधी चलकर यहाँ तक चल रही है। जब गुरु पर्वत से शुरू होती है तो महत्वाकांक्षी होता है व्यक्ति, और महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है, और थोड़ी सी छोटी रहती है तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आ गया तो व्यक्ति विस्फोटक बन जाता है। और दो चीज़ें, एक ये विस्फोटक बना रही है और एक आपकी हार्ट लाइन, ये दो चीज़ें आपके हाथ में माइनस पॉइंट है। अब आपकी माइंड लाइन पर जीवन रेखा पर चलते, शुक्र वलय वाला हाथ है तो परिवार समृद्धि होता है, ज़्यादा तकलीफें नहीं आती, और व्यक्ति सीधा चलकर यहाँ तक चली ये जीवन रेखा, और यहाँ से आपकी जीवन रेखा से एक शाखा निकलकर आपकी इस धन रेखा में जॉइंट होकर ये आपकी जीवन रेखा बन जाएगी। ये पीरियड भी होगा, वो भी मैं बताता हूँ कौन सा साल होगा। अब इसी पीरियड में देखें तो आपको तीन चार जगह पर राहु रेखाओं ने काटा, एक 33 के आसपास और एक 22-23 के आसपास भी काटा होगा, और एक 43 के पास, एक आध दो साल इधर उधर, हो सकता है 42 में भी काटा हो, और एक आपको ये 51 के आसपास काटेगी। ये भी आपको काफ़ी संकट क्रिएट करेगी, क्योंकि इस पीरियड में एक राहु रेखा आपके फेट लाइन को भी काट रही है। तो आप बिजनेस करोगे तो इस पीरियड में आप करोड़ों में नुकसान में जाओगे। अगर बिजनेस जॉब रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी तकलीफ आएगी, जॉब छूटेगी, या कोई ना कोई थोड़ा हल्का फुल्का आर्थिक नुकसान जाएगा, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं जाएगा। हाँ, 51 के बाद आप आराम से बिजनेस कर सकते हो आप अपने लेवल का, क्योंकि उसके बाद जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है और ये बहुत पीरियड के बाद इधर जॉइंट हो रही है, लगभग 70 साल के आसपास। यहाँ से आपके जीवन में एक परिवर्तन भी आएगा। बाकी आपकी ये रेखाएं आपको डिस्टर्ब करेगी, और दो ने तो कर चुकी है, तीन ने तो कर चुका है आपको, और ये चौथी करने वाली है। अब चलते हैं आपके जीवन रेखा पर, जीवन रेखा देखे, धन रेखा देखे तो यहाँ से नीचे से चलकर ये सीधी चली, और यहाँ पर आकर एक 33 के आसपास राहु रेखा ने काटा। इस पीरियड में कोई ना कोई संकट आया होगा, और हो सकता है उसके बाद आपकी फेट लाइन कमज़ोर रही, और ये कमज़ोरी यहाँ तक चल रही है, और उसके बाद ये स्ट्रांग होते जा रही है, और यहाँ एक और कट लग रहा है 50-51 के आसपास, और उसके बाद यहाँ से एक और फेट लाइन निकल रही है। तो इनकम कंटिन्यू रहेगी, कर्ज भी रहा चिंता मत करो, इनकम भरपूर आएगी, भरपूर कमाओगे, खाली थोड़ा सा खर्च पर काबू रखो बस। बाकी रहा सवाल राहु रेखा का पीरियड, ये किसी को नहीं छोड़ती, ये पीरियड खराब ही रहता है, नेगेटिव भावना आती है, उसको दूर करनी है। बाकी शुक्र वलय वाला हाथ है, हमेशा इनकम भरपूर रहेगी आपके पास। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।